देखिए, बिजली की समस्या टेढ़ागाज प्रखंड में लगातार वर्षों से है और अनेकों समस्या है। अभी यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन से टेढ़ागाज प्रखंड में लगभग 2 घंटा ही लाइट दिया गया है और बिजली विभाग के पदाधिकारी कर्मी की मनमानी चरम पर है। इन लोगों से फोन पर बात किया जाता है तो ये लोग फोन रिसीव नहीं करता है, बात नहीं होता है। और इसको लेकर के आज नौजवान के आह्वान पर बिजली के संघर्ष समिति के बैनर तले आज एक बैठक की गई। इसका एक आवेदन लिख करके डीएम साहब को व्हाट्सएप पर किया गया है और एक सप्ताह के अंदर अगर बिजली की समस्या में सुधार नहीं हुआ और बिजली विभाग के कर्मी और मानव बल की कार्यशैली पर अगर सुधार नहीं हुआ तो टेढ़ागाज प्रखंड की जनता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई थी? आज जो बैठक हुई थी बिजली संघर्ष समिति है, समझ गए? उस संघर्ष समिति के बैनर तले ये आवेदन लिखा गया है और यही डीएम साहब को दिया गया है। व्हाट्सएप के माध्यम से इससे पहले भी ऐसी टेढ़ागाज के लोग ऐसी बिगर लाइट की जी रहे थे, लेकिन अफसोस की बात है कि ये 48 घंटे में ना यहाँ के सांसद ना यहाँ के विधायक टेढ़ागाज की जानकारी लेकर टेढ़ागाज किस हालत पर है। सबसे अफसोस की बात है कि यहाँ के विधायक और सांसद टेढ़ागाज से कोई वास्ता नहीं है। कनकई नदी से पश्चिम कौन किस हाल में है, इस दोनों को कोई मतलब नहीं टेढ़ागाज से। यहाँ के जो जेई है जिनको टेढ़ागाज में रहना चाहिए, ये टेढ़ागाज में नहीं रहते। इनका आवास बहादुरगंज में है। ये 24 घंटे के अंदर मुश्किल से 2 घंटा किसी दिन आते हैं किसी दिन नहीं आते हैं, वो अक्सर बहादुरगंज ही में रहते हैं। यहाँ के मानव बल का ये हाल है, वो जेई से भी ऊपर हैं। यानी जेई से बात हो जाएगी लेकिन मानव बल से आप बात नहीं कर सकते, उनका इतना पावर होता है। हम लोग बहुत अफसोस के साथ आज हम लोग जो यहाँ के युवा साथी थे ये लोग आज बैठक किए, उसमें हम लोगों को बुलाया गया था। हम लोग भी आए थे यहाँ, पूर्व मुखिया नजाम साहब हैं, सांसद प्रतिनिधि हमारे डॉक्टर हसनैन साहब हैं, पूर्व प्रमुख टेढ़ागाज वो भी हैं और लोग भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे हम लोग मौजूद थे और सारे युवा साथी के साथ ये बात यहाँ पर मीटिंग में तय हुई कि 7 दिन के अंदर में बिजली व्यवस्था को सुधार टेढ़ागाज का नहीं किया जाता है तो हम लोग 7 दिन के बाद टेढ़ागाज प्रखंड मुख्यालय में भूख हड़ताल करेंगे अनिश्चितकाल के लिए। इससे पहले बिजली विभाग इसको सुधार करे और खास करके हमारे जो सांसद और विधायक है ये सुधार करे। ये नहीं सुधार करेंगे तो 7 दिन के बाद इनके खिलाफ में हम लोग रोड पे आएंगे और इनको भी अपनी जगह पर औकात दिखाएंगे हम लोग। तो आज जो है डीएम साहब को भी आवेदन दिया गया है, किसके माध्यम से ये आवेदन दिया गया है? अभी हम लोग व्हाट्सएप और उसका मेल के जरिए से डीएम साहब और स्टूडियो साहब को हम लोग भेज रहे हैं, भेजा गया है और इस पर हम लोग नहीं कहीं सुनवाई होगा तो फिर हम लोग मिलने की जरूरत पड़ेगी तो डीएम साहब और स्टूडियो साहब से हम लोग मिलेंगे। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर आज़ाद उर्फ छोटे। बिजली की समस्या टेढ़ागाज प्रखंड में लगातार वर्षों से है और अनेकों समस्या है। अभी यहाँ सबसे बड़ी बात है कि 3 दिन से टेढ़ागाज प्रखंड में लगभग 2 घंटा ही लाइट दिया गया है और बिजली विभाग के पदाधिकारी कर्मी की मनमानी चरम पर है। इन लोगों से फोन पर बात किया जाता है तो ये लोग फोन रिसीव नहीं करता है, बात नहीं होता है। और इसको लेकर के आज नौजवान के आह्वान पर बिजली के संघर्ष समिति के बैनर तले आज एक बैठक की गई। इसका एक आवेदन लिख करके डीएम साहब को व्हाट्सएप पर किया गया है और एक सप्ताह के अंदर अगर बिजली की समस्या में सुधार नहीं हुआ और बिजली विभाग के कर्मी और मानव बल की कार्यशैली पर अगर सुधार नहीं हुआ तो टेढ़ागाज प्रखंड की जनता आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। किसकी अध्यक्षता में आज जो बैठक हुई थी? आज जो बैठक ये बिजली संघर्ष समिति है, समझ गए? उस संघर्ष समिति के बैनर तले ये आवेदन लिखा गया है और यही डीएम साहब को दिया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से। हसनैन रजा।